है दोस्तों, आप मजे में होंगे। एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको हिंदी और अंग्रेजी में रोचक कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है किसान और सुनहरा अंडा की कहानी। वंस अपॉन ए टाइम ए फार्मर लिव्ड इन ए विलेज विद हिज वाइफ एंड ओन चाइल्ड। दे वर इन फैक्ट प्रिटी वेल्थी। They had a goose that laid own egg every day. It wasn't just any average egg. It was a golden egg. He would sell the golden eggs and they would live comfortably. But the man was dissatisfied with what he was getting on a regular basis. The farmer, on the other hand, became greedy and desired more than own egg every day. Ek baar ki baat hai, ek kisan apni patni aur ek bacche ke saath ek gaon mein rehta tha. वास्तव में वे बहुत धनी थे। उनके पास एक हंस थी जो प्रतिदिन एक अंडा देती थी। यह कोई औसत अंडा नहीं था, यह एक सोने का अंडा था। वह सोने के अंडे बेचता और वे आराम से रहते, लेकिन वह आदमी नियमित आधार पर जो मिल रहा था उससे असंतुष्ट था। दूसरी ओर किसान लालची हो गया और हर दिन एक से अधिक अंडे चाहता था। द मैन डिसाइडेड टू कलेक्ट ऑल ऑफ हिज हैनेस गोल्डन एग्स एट वंस। सो One day, after much thought, he came up with an idea. He made the decision to slaughter the goose and collect all of the eggs once. His wife stupidly accepted to his plan. वह आदमी अपनी मुर्गी के सभी सुनहरे अंडे एक ही बार में इकट्ठा करना चाहता था। तो एक दिन बहुत सोचने के बाद उसे एक विचार आया। उसने एक बार हंस को मारकर सारे अंडे इकट्ठा करने का निर्णय लिया। उसकी पत्नी ने मूर्खतापूर्वक उसकी योजना स्वीकार कर ली। सो द नेक्स्ट डे व्हेन द गूस लेड ए गोल्डन एग, द गाय ग्रैब्ड इट, टुक ए शॉर्प नाइफ, कट ऑफ इट्स नेक एंड कट ओपन इट्स बॉडी। देयर वाज नथिंग बट ब्लड ऑल अराउंड एंड नो साइन ऑफ एन एग। ही वाज डेवास्टेटेड सिंस ही वुड नो लॉन्गर रिसीव इवन ओन एग। ही ओनली फाउंड ब्लड एंड गट्स। ही रियलाइज्ड हिज एरर। He no longer had a source of income, and the couple was becoming poorer by the day. इसलिए अगले दिन जब हंस ने एक सुनहरा अंडा दिया तो उस आदमी ने उसे पकड़ लिया, एक तेज चाकू लिया, उसकी गर्दन काट दी और उसके शरीर को काट दिया। चारों ओर खून के अलावा कुछ नहीं था और अंडे का कोई निशान नहीं था। वह तबाह हो गया था क्योंकि अब उसे एक भी अंडा नहीं मिलेगा। उसे केवल खून और आंते मिली। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके पास अब आय का कोई स्रोत नहीं था और दंपति दिन पर दिन गरीब होते जा रहे थे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।